गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज फोर्थ लेक्चर ऑन क्वाड्रिलेटरल। इन थर्ड लेक्चर वी हैव प्रूव थ्री थ्योरम्स रिलेटेड टू द थ्योरम 8.3, 8.4 एंड 8.5। थ्योरम 8.3 वाज इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सेकेंड थ्योरम वाज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड थ्योरम वाज इन क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। नाउ टुडे वी विल सी थ्योरम 8.6, 8.7 एंड रिमेनिंग थ्योरम। व्हाट आर द रिमेनिंग थ्योरम्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज? सो फर्स्ट सी थ्योरम 8.6। व्हाट इज थ्योरम 8.6? See, I am writing the statement. The diagonals of a parallelogram bisect each other. क्या है कि bisect each other. Now the statement is that diagonals of a parallelogram bisect each other. So we have a parallelogram A, B, C, D. A, B, C, D is a parallelogram. Now, diagonal bisect each other. So, AC is a diagonal and BD, diagonal O. Now, what is given? Write it. First we will write given, then to prove, then proof. See, given is A, B, C, D is a parallelogram and diagonals AC and BD intersect each other at O. कहां पे intersect कर रहा है? At O. Next is to prove. We have to prove. What we have to prove? AO equals to OC and OP equals to OD. Proof. See, हमें क्या प्रूफ करना है? Now, ABCD, first forget about this line, about diagonal BD. हम BD को पहले बोल जाते हैं, BD आई ही नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसमें AC हमारा क्या है? डायगनल है, ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल्स टू, ये होगा। हमने ये पहले अज्यूम कर लिया। हमारे पास क्या होगा? एंगल वन विल बी इक्वल्स टू एंगल टू, ये हो गया। नेक्स्ट, अब ड्रॉ करो। नाउ वी विल ड्रॉ बीडी। नाउ वी विल ज्वाइन बीडी। हमने ज्वाइन कर दिया बीडी। इंटरसेक्ट कहां किया? ओ पे। अब ये एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स। मींस क्या है हमारा, जब ट्रांसवर्सल लाइन को, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म विल बी इक्वल, मींस एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड दिस इज पॉइंट ओ। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ओ सी डी। हमने ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी और सी ओ डी, इसमें क्या होगा ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों ए बी इक्वल्स टू सी डी क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या होता है पैरेललोग्राम में, क्या होता है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया ए बी इक्वल्स टू सी डी और एन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सो राइट इट, वी विल राइट इट इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी वी आर वॉट वी आर ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमारे पास क्या है ए बी इक्वल्स टू सी डी, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमारा क्या है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। नेक्स्ट एंगल 1 इक्वल्स 1 एंगल्स 2 अल्टरनेट एंगल्स, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों होंगे, ये ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट किया है तो जो एंगल अल्टरनेट एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे तो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म विल बी इक्वल। अब क्या हो गया बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, कौन सा एस ए एस नॉट ए एस ए, टू एंगल एंड वन साइड इज देयर सो विच कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ए एस ए, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। क्या हो गया हमने कौन से ट्राइंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसके ऊपर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या है कॉरेस्पोंडेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या हो जाएगा ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। ये मान लो ये हो गया 1 ये हो गया 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये प्रूव करना था ना ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, प्रूव है कि नहीं। हमारा 8.6 क्या था, ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या हो रहा है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल हमने बाइसेक्ट पहले इंटरसेक्ट एट ईच अदर ओपन दिखा दिया, उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है ए ओ पैरेलल्स टू ओ सी एंड ओ बी पैरेलल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए ओ इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी डी, उससे हमने पहले क्या कर दिया कि ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सिमिलरली क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, उसके बाद हमने ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हमने ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी प्रूव कर दिया, बाय सी पी सी टी क्या हो गया ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी, प्रूफ। Now we will move to next theorem. Moving on next theorem, theorem 8.C. What is the statement of 8 points? Theorem 8.7C.
See the statement of theorem 8.7, that is, if the diagonals of a quadrilateral, 8.7, if the diagonals, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, क्या हो रहा है, bisect each other, then it is a parallelogram. हमें क्या प्रूफ कर, 8.7 के थ्योरम में क्या है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल है उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हो रहा है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. यस नाउ सो लेट अस प्रूफ. हाउ वी विल प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है और ए सी ये बाइसेक्ट कर रहा है एट ओ. हमने ए सी और बी सी कहां बाइसेक्ट कर रहा है, एट ओ पे. वी हैव शोन ए सी बाइसेक्ट एट ओ. नाउ क्या गिवन है कि ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने मार्क कर दिया. और उसके बाद क्या है, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि देन इट इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी ले लेते हैं, सी ओ डी ले लेते हैं. ये एंगल विल बी इक्वल्स टू ये एंगल, क्यों कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं चैप्टर सिक्स में इन लाइंस एंड एंगल्स व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल विल बी इक्वल. तो वहां से ये एंगल हो जाए, हम ट्राइंगल ए ओ बी ले लेंगे और सी ओ डी ले लेंगे. ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंग्रुएंट प्रूव करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी कंग्रुएंट टू ट्राइंगल. उसके बाद ये एंगल इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये. उसके बाद हम लोग क्या प्रूव करेंगे, ए बी पैरेलल्स टू सी डी और बी सी पैरेलल्स टू ए डी, क्योंकि अपोजिट साइड हमें इक्वल प्रूव नहीं करना है. अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करने से हमारा काम नहीं बनेगा, है कि नहीं. अपोजिट साइड प्रूव करने से हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम आएगी. हमें एंगल्स प्रूव करने हैं और साइड्स पैरेलल्स टू ईच अदर प्रूव करना है. सो गिवन, हमारा गिवन क्या होगा इस थ्योरम के लिए, गिवन हो गया इन ए क्वाड्रिलेटरल, इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. मींस क्या हो गया, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये हो गया. हमें भी क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ. टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है. तुम तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी. नाउ टेक प्रूफ में लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी वी हैव, व्हाट वी हैव, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी गिवन. ये हमारा क्या हो गया, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये गिवन हो गया. नेक्स्ट हो जाएगा ओ बी इक्वल्स टू ओ डी,
given angle AOB equals to angle COD vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी. कौन सा एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी. वाई सी पी सी टी हमारे पास क्या आएगा? ओ सी डी एंगल ओ सी डी एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी एंगल ओ ए बी और एंगल सी डी बी एंगल सी डी बी इक्वल्स टू एंगल बी ए ए बी डी ए बी या ए बी डी एंगल ए बी डी. कंसीडर पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू. कंसीडर पॉइंट नंबर नाउ फ्रॉम वन. वन से हमारे पास क्या है? From one we will have angle OCD or OAB. So here AC is transversal. Here transversal AC on the line segment. लाइन सेगमेंट कौन से लाइन सेगमेंट पे होगा? ए बी और सी डी. ए बी और सी डी पे ही ट्रांसवर्सल ए सी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी. तो क्या हो जाएगा? दिस विल इंप्लाइज ए बी पैरेलल्स टू सी डी. दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल्स टू सी डी. पॉइंट नंबर थ्री. सिमिलरली क्या होगा? एंगल सी डी बी फ्रॉम टू से क्या आ जाएगा? सिमिलरली फ्रॉम टू हमारे पास टू से क्या आ जाएगा कि ट्रांसवर्सल बी डी. ट्रांसवर्सल बी डी ऑन द बी सी एंड ए डी. ये इंप्लाइज क्या करेगा? This implies BC parallels to AD. Point 4. From 3 and 4, ABCD is a parallelogram. ABCD क्या हो गया? Parallelogram. हमने theorem 8.7 में क्या किया? Just नहीं, जो हमारा part क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट पीछे तक कर रहा है. तो हमने क्या किया कि ट्रायंगल एओबी ले लिया और ट्रायंगल सीओडी. तुम लोग एओडी भी ले सकते हो, बीओसी भी ले सकते हो. एनी टू अपोजिट ट्रायंगल ले लो और उसका प्रूफ कर दो. तो क्या होगा? एओ इक्वल्स हमने ट्रायंगल एओबी ले लिया और ट्रायंगल एओसी भी लिया. ट्रायंगल एओबी में क्या है? ओ एओ इक्वल्स टू ओसी और ओबी इक्वल्स टू ओडी और एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी यानी वर्टिकली अपोजिट. अब क्या हो जाएगा? बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एओबी ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी. तो उससे क्या हो जाएगा? बाय सीपीसीटी ओसीडी मींस ये एंगल ये वन विल बी इक्वल टू ये टू. ये हो गया. सिमिलरली दिस थ्री विल बी इक्वल टू फोर. हमने ये दोनों को लेके उसके बाद क्या है? जब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है तो एसी ट्रांसवर्सल लाइन है किस पे? ए बी और सी डी पे. मींस ए बी पैरेलल्स टू सी डी. दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. एंड सिमिलरली जब एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर है तो क्या होगा? बी डी ट्रांसवर्सल विल बी ऑन बी सी एंड ए डी.
तो क्या हो गया बीसी पैरेलल 280 फ्रॉम 3 एंड 4 ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। नाउ मूविंग टू थ्योरम 8.8। व्हाट इज थ्योरम 8.8? सी थ्योरम 8.8 स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम राइटिंग ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ a pair of opposite sides is equal and parallel. थ्योरम 8.8 में क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पेयर। कब कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी A, B, C, D। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा जिसमें क्या है AB parallels to CD। Given, write it। Given, हमने given ले लिया ABCD is a quadrilateral। Quadrilateral है in which ए बी पैरेलल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल्स टू ए बी इक्वल्स टू सी डी। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं किसको ए सी को, ज्वाइन ए सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा ज्वाइन ए सी। अब ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे और ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए ये इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है ए बी पैरेलल्स टू सी डी है, तो ये एंगल विल बी इक्वल्स टू एंगल्स टू। क्या हो जाएगा हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें क्या है हमने ले लिया एक पेयर इक्वल है, हमने कौन सा पेयर ले लिया ए बी पैरेलल्स टू सी डी और ए बी इक्वल्स टू सी डी। और हमें क्या प्रूव करना है BC parallels to AB, हमें सिंपल लैंग्वेज में क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास एक पैरेलल साइड्स है, दूसरा पैरेलल साइड्स इक्वल कर देंगे BC equals to दूसरा पेयर को, हम अगर हम क्या कर देते क्या प्रूफ कर देते हैं पैरेलल, क्या पैरेलल प्रूफ कर देते हैं AB इसके पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा ये वन हो, तो ये जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। उसका हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए को कन्वर्जेंट प्रूव कर देते हैं।
उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो जाएगा, बीसी पैरेलल्स टू डीए प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एबीसीडी विल बी ए पैरेललोग्राम। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए एंड ट्राइंगल सीडीए पीएल, क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन, ये होगा ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन एंगल टू इक्वल्स टू एंगल वन अल्टरनेट एंगल्स, क्या हो गया हमारे पास, एंगल टू इक्वल्स टू एंगल वन क्या हो गया हमारा, अल्टरनेट एंगल्स हो गया। नाउ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए, तो क्या होगा, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल हम इसको मार्क कर देते, ये एंगल थ्री है विल बी इक्वल्स टू एंगल फोर, व्हाट, एंगल्स थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर। अब देखो एंगल्स थ्री और एंगल फोर कैसे फॉर्म हुआ है, एंगल थ्री एंड एंगल फोर इज फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल लाइन एसी, ट्रांसवर्सल लाइन एसी ऑन बीसी ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी और एबी, हियर एंगल थ्री एंड एंगल फोर आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल एसी ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी एंड एडी, कौन से पे, बीसी और एडी पे, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, दिस विल इंप्लाइज बीसी पैरेलल्स टू डी, ये हो गया पॉइंट नंबर वन, या ये मान लो पॉइंट वन है, ये पॉइंट नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू वी है क्या हमारे पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्या है हमारे पास, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.8 क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेलल, क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है अगर उसमें एक पेयर क्या है कि पैरेलल साइड्स इक्वल और पैरेलल है, वन अपोजिट पेयर, तो क्या होगा कि वो पैरेललोग्राम है। तो हमने क्या ले लिया, ए बी सी डी का पैरेललोग्राम इन विच ए बी पैरेलल्स टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी, हमने किसको ज्वाइन कर दिया, एसी को, प्रूफ क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए वी है ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवेन ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन एंगल्स टू इक्वल्स टू एंगल वन अल्टरनेट एंगल्स, बाय ए सी एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, जब अब क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर, और एंगल थ्री और एंगल फोर किससे बनते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ए सी, कौन से लाइन से, ट्रांसवर्सल लाइन एसी के थ्रू बन रहा है, तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन एसी के थ्रू बन रहा है तो मींस कौन सा सेगमेंट है, बीसी पे और एडी पे, तो बीसी पैरेलल्स टू एडी, दिस इज पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन, फ्रॉम वन एंड टू वी कंक्लूड दैट ट्रायंगल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सो टुडे वी हैव प्रूव थ्योरम 8.678, सो राइट इट इन योर नोटबुक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।